नमस्कार दोस्तों, आज पुनः मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, रूमेटॉइड अर्थाइटिस। आज हम जानेंगे कि ये क्या है और इसके सिम्टम, साइन एंड सिम्टम क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, इसके इन्वेस्टिगेशन क्या है और होम्योपैथी मैनेजमेंट में इसका क्या रोल है। तो अब हम बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर दैट कैन अफेक्ट मोर देन जस्ट योर जॉइंट। यानी आपकी हड्डियों में जब किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होना, तिरछापन आना, हड्डियों में गैप का आ जाना, हड्डियों में दर्द, सूजन, ये बने रहना, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस को दिखाता है, दर्शाता है। इसके साथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस जब क्रोनिक एक स्टेज में आ जाता है तो ये आदमी के शरीर के दूसरे अंगों को भी घेर लेता है या दूसरे अंगों में अपने सिम्टम दिखाने लगता है, जैसे कि स्किन, आईज, लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इसी तरह से हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस को डिफाइन करते हैं कि जब भी कभी आपके जोड़ों में, जो आपके हाथ के जोड़ हैं उनमें दर्द बनता है, हड्डियों में दर्द बनता है, वो अफेक्ट होती हैं, वहाँ सूजन आती है, वहाँ हल्की सी लाली दिखाई देती है, तो ये सारे सिम्टम आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस को शो करते हैं। टेंडरनेस, उस पोजीशन को वार्म होना, पेन होना, स्वेलन होना, साथ में थकान, कमजोरी, वजन का कम होना, ये सारे सिम्टम हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं? मोस्टली ये देखा गया है पुरुषों की तुलना में ये स्त्रियों में ज़्यादा होता है और स्त्रियों में होने के साथ जो इसकी उम्र है वो 40 से लेकर 60 वर्ष में सबसे ज़्यादा देखा गया है। इसके साथ ही इसकी फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी पहले भी आपके बड़ों में इस तरह की प्रॉब्लम रही होगी, इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। साथ में एनवायरनमेंट, कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, वो सब इस पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टिगेशन में इसमें क्या होता है कि आप एक्सरे करा सकते हैं, एमआरआई ले सकते हैं, कलर डोपलर करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, साथ में जो इसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो आपकी प्रोटीन है, सीबीसी है, केएफटी है, ईएसआर है, इत्यादि ये ब्लड टेस्ट रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कराने ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी होम्योपैथी मैनेजमेंट। होम्योपैथी मैनेजमेंट में हमने देखा है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा मेडिसिन है जो हम फॉलो करते हैं, जैसे कि रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स रेस्टिंग पोजीशन में जो पेन होता है, मॉर्निंग के समय जो पेन होता है और स्टिफनेस बनी रहती है, ये रेस्टॉक्स के सिम्टम हैं। इस तरह के सिम्टम जब भी दिखाई देते हैं तो हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में रेस्टॉक्स को फॉलो करते हैं। साथ में ब्राइनिया जब भी किसी मूवमेंट, हल्का सा मोशन, जैसे हम हिलते हैं, डुलते हैं, तुरंत हमें दर्द हो जाता है, ये ब्राइनिया के सिम्टम हैं।
तो ये जो सिम्टम है ये ब्राइनिया में है, तो ये ब्राइनिया को दर्शाते हैं, तो फिर हम ब्राइनिया को देंगे। इसी तरह से पल्सटीला, कोस्टिकम, एक्टिया स्पिकाटा, कोलोफाइलम और रैक वेब के जो नंबर आते हैं R11 और R73, ये दो ऐसे नंबर हैं जो हम रिमेटोइड में यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि शायद मैं कहीं आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस समझाने में कामयाब हुआ हूं, सफल हुआ हूं। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।